बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। दोस्तों, मैं सूरज वर्मा आपके लिए लाया हूँ एक धमाकेदार वीडियो, जो कि आज बहुत ही आपके लिए एक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस वीडियो में आपके लिए कॉन्टेस्ट भी है, तो ये आप वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, जो कि आपके लिए फ़ायदे की ही बात है। जो आज का वीडियो है वो मांझे का रिव्यू है दोस्तों, और इस वीडियो में ही दोस्तों एक आपके लिए फ़ायदे की चीज़ है, कॉन्टेस्ट है, उपहार है आपके लिए। दोस्तों, ये जो उपहार है इस वीडियो में ही मिलेगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमने इस वीडियो में क्या क्या बोला है और क्या क्या आपके लिए हमने टारगेट सेट किए। ये दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, और आपका उपहार इन्हीं वीडियो में कहीं आपके लिए सजा रखा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। फाइनली NRK की अनबॉक्सिंग होने जा रही है। NRK का ये कार्टन रखा हुआ है, इसमें NRK के सारे ब्लॉक होंगे। देखिए कितना बड़ा कार्टन है, कितना बड़ा साइज है कार्टन का। तो फाइनली ये बॉक्स अनबॉक्स हो गया है, इससे स्टॉक निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन से ब्लॉक आए हैं। ये स्टॉक निकला है NRK का, ये सारा मैदानी है, ये सब ब्लैक कमांडो है, और ये सब पांडा है उसमें है भी, और अभी इसमें और भी काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, जैसे कि डबल गुलाब है, NRK का पांडा है, नौतार पांडा है। या दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक खुल चुका था, तो हमने इसको रैक में लगा लिया है। ये सारा स्टॉक है NRK का, ये रैक में लगा हुआ है, ये पूरी रैक में सिर्फ NRK ही लगा हुआ है। यहाँ पे लगा है C28 जो कि पांडा है, और ये सब उनका मैदानी लगाया है, जो मैदानी ब्लॉक आता है वो ये लगाए हरा रैपर, और कुछ चरखे यहाँ पे देखिए ये लगे हैं कलरफुल, ये सारे ब्लैक कमांडो हैं। ये देखिए आप, ये सब ब्लैक कमांडो लगा हुआ है। ये चरखा देखिए कितना प्यारा लगा हुआ है, कुछ चरखे अभी सेल भी हो गए हैं, जो पहले के ऑर्डर थे वो मैंने हटा दिए चरखे उनके, पहले फरमाइशी कलर जो भी थे वो पहले से अलग हटा दिए गए, कुछ लोगों के पेंडिंग ऑर्डर थे वो क्लियर कर दिए गए, और पेंडिंग ऑर्डर क्लियर करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए आप, पेंडिंग ऑर्डर क्लियर करने के बाद ये कुछ मांझे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं NRK के, ये सारा NRK का पांडा है, 12 तार 9 तार भी है, और डबल बिल्ली भी मेरे पास मिल जाता है, फ़िलहाल अभी नहीं है, 2-4 दिन में वो भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर सब ये ब्लैक कमांडो लगा हुआ है, ये सारा हरा रैपर लगा हुआ है हमारा, ये सब C28 लगा हुआ, डबल गुलाब, डबल बिल्ली, और ये कुछ ब्लॉक हैं वो भी मिल जाएंगे आपको मेरे पास। NRK की पूरी रेंज मिलती है मेरे पास, कोई भी ब्लॉक आपको चाहिए हो आसानी से आपको मेरे पास NRK का मिल जाएगा। ये कुछ स्टॉक है जो आपके सामने है, और दोस्तों चलिए अब आपको इसके कुछ कलर वगैरह खोल के दिखाते हैं कि क्या कलर अब की बार बन के आए हैं। ये जो माल आया है NRK का, इसमें क्या कलर बन के आए हैं, पांडे में क्या कलर हैं हमारे पास, या ब्लैक कमांडो में क्या कलर हैं, या इस मैदानी में क्या कलर आए हैं। चलिए दोस्तों आपको कलर दिखाते हैं इसके। बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियो देखने हैं तो आपको आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके इनकी डिटेल और इनके रिव्यू वगैरह देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ चरखे मैंने निकाल लिए हैं, अलग कर लिए हैं। इसमें देखिए एक कलर ये दिख रहा है, ये गेरू कलर है, और इसमें ये कलर देखिए ये दिख रहा है, ये पर्पल टाइप का कलर है ये, और ये एक है हल्का सा जैसा कि पाकिस्तानी ग्रीन होता है, ये उस टाइप का है, उससे थोड़ा सा डार्क है। ये है मेहंदी कलर, और इस पे देखिए ये एक है गाजरी सा कलर है, ये रेड नहीं है दोस्तों, ये गाजरी कलर है।
चलिए ज़रा सा इसको ओपन करके देखें। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने ये सारे चरखे ओपन कर लिए हैं, पांच कलर ओपन किए हैं मैंने। ये एक पर्पल टाइप का है, एक ये देखिए गेरू टाइप का है, ये कलर गेरू टाइप का है, ये ग्रीन है, ये मेहंदी है, और ये हमारा जो गाजरी टाइप नहीं टमाटो कलर बोल सकते हैं, जैसे कि टमाटर का कलर होता है ये उस टाइप का है। तो ये मांझा है, ये मांझा 123 पर है, ये मैदानी के नाम से ब्लॉक आता है एनआरके का, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस पर इन्होंने दिया है ये एनआरके मैदानी मांझा, ये ब्लॉक इनका मैदानी के नाम से आता है, ये देखिए ये ब्लॉक लगा हुआ है। तो दोस्तों ये जो ब्लॉक है ये 123 पर है, 123 जैसे कि आप जानते हैं ये आर्टिकल सबसे बेस्ट होता है, और ये सारे चरखे 123 पर लगे हुए हैं। और ये देखिए 123 की जो सबसे बड़ी पहचान है, ये देखिए आप आर्टिकल 123, ठीक है ना। ये जो रैपर है ये मार्केट में कहीं बाहर नहीं मिलता है, और ये रैपर जब कारीगर नलकियाँ लेकर आता है इसी खरीद के, तो उसका जो बंडल होता है उस बंडल का ये रैपर होता है, इसको काट करके बाद में चरखे के ऊपर लपेट दिया जाता है। और जैसे कि ये चरखे पे इस तरह से लिपटा हुआ होता है और उसके ऊपर ये ब्लॉक लग जाता है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी पहचान है, अगर धागा इसमें 123 ओरिजिनल लगा होगा तो ये रैपर भी होता है उसमें, ये रैपर 123 धागे के साथ ही आता है, तो इसीलिए हम इसको चरखी के ऊपर कवर करवा देते हैं। और उसके बाद हर फिरकी पे आपको ये 123 आर्टिकल की पर्ची निकलेगी, उस पर ये चिप लगी होती है। तो ये कुछ पहचान है छोटी सी आर्टिकल 123 की। और जो आर्टिकल 123 होता है आप सभी जानते हैं सबसे बेस्ट धागा माना जाता है, सबसे बेस्ट आर्टिकल जो होता है ये 123 होता है। काइट फाइटिंग में टूर्नामेंट में यही इस्तेमाल होता है, इसी की मान्यता है। तो ये रहा एक मैदानी जो आपको हमने ब्लॉग दिखाया था, उसके कुछ कलर है, कलर अभी बहुत सारे इसके मेरे पास और भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे इसके अलावा भी। फ़िलहाल मैंने पांच चरखे खाली इसके खोले हैं, चलिए दूसरा ब्लॉग आपको दिखा। जैसे कि अभी आपने देखा इससे पहले जो ब्लॉग आपको दिखाया गया था वो दिखाया गया था मैदानी ब्लॉग जो 123 पर था एनआरके का मैदानी। ये ब्लैक कमांडो है एनआरके का, ये टॉप ब्लॉक है। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से कलर हैं, कुछ डिफरेंट कलर मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ। ये है स्टील ग्रे, ये एक पिकॉक कलर आता है वो नेवी ब्लू टाइप का, ये है मेहंदी कलर, ये शायद एक ब्लैक टाइप का कुछ है, और ये है रेड। चलिए इनको ओपन करते हैं, ये देखिए देखिए एक रैपर ऊपर का हट गया ब्लैक कमांडो का, अंदर ये इस तरह से रैपर होता है इसमें, ये देखिए वर्धमान आर्टिकल वर्धमान है ये 123 आर्टिकल है, देखिए। चलो इसको भी ओपन करो, चरखी देखिए कितनी खूबसूरत लगी है। चरखे हैं सारे ब्लैक कमांडो के, ये कलर इसके ओपन हो गए हैं, सारे चरखे ओपन हो गए हैं ब्लैक कमांडो के, कलर आपके सामने हैं, ये सारे कलर हैं। और भी कुछ कलर हैं इसके ब्लैक कमांडो के मेरे पास, पर पांच ही चरखे मैंने ओपन किए हैं अभी। चलिए इसका छोटा सा एक रिव्यू करते हैं, एक चरखा सूरज जरा सा ओपन करो उसका, कोई सा भी, और बहुत ही शानदार है। नम मौसम में इसकी ये क्वालिटी, या थोड़ा मौसम जब गर्म हो जाएगा तब तो इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगी। कलर बड़े अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे कलर इन्होंने बना के भेजे हैं। ये बारीक है डोर थोड़ी सी, ये थोड़े से चढ़े पैटर्न पे है, ये रेड वाली भी थोड़े चढ़े पैटर्न पे है, चढ़ा के आप ये समझ सकते हैं ये मीडियम पैटर्न पे बोल सकते हैं इसको। ये थोड़ी सी बारीक डोर है, ये रेंज में काफ़ी अच्छी लड़ेगी। और ये डोरे जो हैं, बाकी ये डोर जो है ये छोटे पेज के लिए बहुत अच्छी डोर है। ये जो स्टील ग्रे इन्होंने बना के भेजी, ये चढ़ा पैटर्न है, थोड़ा सा मोटी डोर है हल्की सी। अगर आप छोटे पेज की बात करें तो ये डोर बहुत शानदार लड़ेगी, ये बारीक डोर है, थोड़ा रेंज में अगर इसको लड़ाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स होगा। ये मीडियम पैटर्न है, ये आपकी दूर पास दोनों लड़ेगी, ये दूर पास दोनों लड़ेगी। ये रेड वाली जो डोर है ये भी छोटे अगर पेज आप लड़ाते हैं, छोटे पेज आपको लड़ाना पसंद है तो ये डोर भी बहुत शानदार डोर है, आप इसको भी ले सकते हैं, डोर में कोई कमी नहीं है। बाकी एनआरके ब्लैक कमांडो है एक बहुत उभरता हुआ सितारा जिसे कहते हैं आज के टाइम का, ये वो डोर है, काफ़ी ट्रेंड में ये डोर चल रही है, काफ़ी डिमांडिंग डोर है, ये बहुत अच्छी डोर है। और डिमांडिंग डोर है तो फिर आप समझ सकते हैं
जब क्वालिटी होती है, कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसी की डिमांड होती है। तो ये बहरहाल पांच कलर मैंने ओपन किए हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल देखनी है इस डोर की, इसका और ज़्यादा रिव्यू देखना, तो इससे पहले कुछ वीडियो बना चुके हैं NRK के, आप उसको देख सकते हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आखिरी में वीडियो के एंड में कार्ड में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। अब आपको इसका कोई दूसरा ब्लॉग दिखाते हैं। ये NRK का ब्लैक कमांडो हो गया। इससे पहले आपको दिखाया गया था मैदानी और ब्लैक कमांडो, दो इनके ब्लॉक हो गए। अब इनका एक आपको पांडा दिखाते हैं। तो चलिए हम पांडा 12 तार आपको दिखाते हैं और देखते हैं उसके क्या कलर आए हैं और क्या क्वालिटी उन्होंने भेजी था। अभी आपने जो दो ब्लॉक देखे उसमें से एक था ब्लैक कमांडो और एक था उनका मैदानी ब्लॉक, जो कि दोनों ही 1-2-3 पर थे। अब जो आपको दिखा रहे हैं ये पांडा है, एक 9-तार पांडा मेरे पास है और ये 12-तार पांडा है। तो चलिए इसके कुछ कलर आपको, जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हैं, ये पांडे के कुछ कलर हैं जो ओपन हो गए। इसमें एक कलर बहुत ही शानदार निकला है, ये वाइट वाला पांडा जो निकला है। अब इतना शानदार कलर निकला है, इसको मैं बेचूंगा नहीं। आगे सूरज भाई इसकी स्कीम बताएंगे। अब पहले हम आपको इसको दिखाते हैं क्या है ये। ये 12-तार का पांडा है, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है। इसका रिव्यू मैं पहले दे चुका हूँ। इसकी क्वालिटी तो बहुत ही उमदा है। सभी चरखे बहुत ही शानदार हैं जो कि 12-तार पे लग के आए हैं। तो रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे वीडियो मैं इस पर पहले बना चुका हूँ। सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में कलर दिखा रहा हूँ। और ये जो वाइट चरखा निकला है, सूरज भाई ने खोलते ही बता दिया, शाविद भाई ये सेल नहीं होगा। अब इसके लिए सूरज भाई ने क्या सोच के रखा है, चलिए दोस्तों बताते हैं। तो आज आपके लिए एक विशेष योजना लाए हैं हम आपके लिए, कि ये जो चरखा आप देख रहे हैं, जो हमारे ये स्पेशल चरखा है, इसको हम सेल नहीं करेंगे। ये 12-तार पांडा है, वाइट कलर स्पेशल, जो NRK भाई का हमारा। इसके लिए हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है दोस्तों। ये जो कॉन्टेस्ट है, इसमें आपको एक टारगेट दिया जाता है कि 2000 लाइक्स का। मुझे मालूम है कि आप वो टारगेट आसानी से पूरा कर। तो दोस्तों मानिए कि जैसे हमारा 2000 लाइक का टारगेट पूरा हो चुका है, अब मैं आपको बताऊँगा ये चरखा किसको मिलेगा। तो ये चरखा मिलने वाला है हमारे उस सब्सक्राइबर भाई को, जो भी हमारा वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेगा, कमेंट करेगा और लाइक करेगा। तो ये चरखा सिर्फ उस भाई के लिए है दोस्तों। ये कॉन्टेस्ट हमारा अभी आगे भी चलेगा। तो दोस्तों मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और इस तरह के हम कॉन्टेस्ट और कंटेंट हम आगे भी लाते रहेंगे। इस वीडियो में यहीं से विदा लेते हैं और अगले ही वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार दोस्तों।